देखो यार, मीडियोकर है ना, बहुत अच्छी ना बहुत बेकार। ना तो ये फिल्म बाहुबली है और ना ही ये फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। और जहाँ तक बात है डिसअपॉइंटमेंट की, तो भाई फिल्म ने कहीं कहीं भी डिसअपॉइंट करा पर कहीं कहीं नहीं भी करा। और भाई जैसा कि मैंने पहले बोल रखा है, सबसे पहले तो अक्षय कुमार, अब भाई वो मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट और जो एंड के पूरे 15-20 मिनट का सीक्वेंस है उसमें बहुत अच्छे लगे, पर बाकी पूरी फिल्म में वो मुझको उतने पसंद नहीं आए। उतने क्या यार, पसंद ही नहीं आए। मैं शायद फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ और आप सब भी ये बात फर्स्ट टाइम सुनोगे कि किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है खुद अक्षय कुमार। वरना खुद देख लीजिए, लक्ष्मी एक बेकार फिल्म है, उस फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग जबरदस्त थी, पर भाई इस फिल्म में एक दो सीन के अलावा वो मुझे कहीं भी अच्छे नहीं लगे। और दूसरी बात जिससे मैं निराश हुआ हूँ, आप सब समझ गए होंगे, जी हाँ, मानुषी। भाई देखो, सुंदर होना और एक्टिंग करना ये तो अलग अलग बातें हैं। भाई उनके अंदर एक्टिंग का पोटेंशियल दिखता ही नहीं है, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन होते नहीं है, वो बस एक सीन में आती है, डायलॉग बोलती है और बस निकल जाती है। और अगर ये एक्टिंग होती है ना तो भाई मैं भी एक्टर हूँ। उनका मुंह इतना सा, उनका गला इतना सा, और भाई उसके ऊपर इतनी भारी भारी ज्वेलरीज, उनके हाथ एकदम कंकाल जैसे, उसके ऊपर इतनी भारी भारी बैंगल्स। ओ भाई नहीं, माफ करो, बहुत ही बेकार लगी है वो इस फिल्म के अंदर। पर भाई देखते हैं, अभी तो ये डेब्यू हुआ है। और भाई तीसरी बात, कहीं कहीं पर VFX। हाँ भाई देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एज कम्पेयर टू ट्रेलर इस फिल्म के VFX काफी अच्छे हैं। स्टार्टिंग में जो वो सीन है शेर वाला, वो देखने में नकली लगा, लेकिन उतना भी बेकार नहीं लगा। कहीं कहीं पर फिल्म का स्क्रीन प्ले और इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। और भाई एक और बात जिससे मैं निराश हुआ हूँ, और वो बात है अक्षय कुमार की हंसी। भाई आप खुद बोलोगे ये है क्या, ये तो भाई बाला वाली हंसी है यार। भाई डायरेक्टर ने वॉर सिक्वेंस तो बना ली है, पर उनके अंदर कौन से एक्टर ने कैसे एक्टिंग करी है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई मोहम्मद गोरी को मारते हुए जो हंसी थी अक्षय कुमार की, वो कितनी बेकार लग रही थी। और भाई वो था ट्रेलर, वो हमने फोन में देखा था, पर भाई यहाँ पर तो मैंने वो पूरा फाइट सीक्वेंस बड़े पर्दे पे देखा है और वहाँ पे वो चीज साफ साफ दिख रही है। और एक और बात जो मुझे खराब लगी, वो है इस फिल्म का मेन गाना, हाँ हरिहर सॉन्ग, मुझको बेकार लगा। भाई उस गाने का म्यूजिक बहुत बढ़िया है, पर भाई उस गाने के लिरिक्स बेकार हैं। उस गाने की दो लाइनें हैं, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे लंका में दशानन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे रावण को राम सतावन। मतलब भाई तुम कुल मिला के ये बोल रहे हो कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान रावण के जैसे थे, और तुम ये भी कह रहे हो कि श्री राम ने रावण को सताया था। और मैं जानता हूँ अभी आएंगे फिल्म फेयर अवार्ड और इस गाने को मिल जाएगा अवार्ड बेस्ट सॉन्ग का। और भाई एक और बात, मैंने जो कुछ भी सुना है जयचंद के बारे में, इस फिल्म में वैसा कुछ था ही नहीं। अब देखो पता नहीं कि गलती किसकी है, मेरे सुनने में कि फिल्म को दिखाने में। और भाई एक और बात, मोहम्मद गोरी को मारने से पहले सम्राट से चंद्रवरदेव ने कुछ कहा था, और भाई जो कहा था ना वो मैं जानता हूँ अच्छे से। सूर्य सतेज अग्नि से तप है पृथ्वीराज, 4 बांस 24 गज का नाप है पृथ्वीराज, गौरी की छाती पर भवानी का प्रहार है पृथ्वीराज, सत्य सनातक का प्रमाण है पृथ्वीराज। पर इस फिल्म में उसे भी चेंज करा गया है। भाई मुझे पूरा यकीन था कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी इस फिल्म में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, भाई उन पर मुझको पूरा भरोसा था। अब भाई पता नहीं, क्या पता कि जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है आज तक वो सब गलत हो। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में लिखना जरूर। और भाई मेरे ख्याल से बहुत बुराई मार ली, अब थोड़ी तारीफ भी हो जाए। और भाई फिल्म की अच्छाई में आती है मानव विज, संजू बाबा और सोनू सूद की एक्टिंग, इन तीनों के परफॉर्मेंस लाजवाब, खासकर मानव विज। भाई उनका जो किरदार था मोहम्मद गोरी का लाजवाब, मतलब किरदार नहीं जो उनकी एक्टिंग थी वो बढ़िया थी। उनके चेहरे पे वो इविलनेस गुस्सा साफ साफ दिखता है, और भाई पब्लिक एक विलन के अंदर यही चीज ढूंढती है। और भाई सोनू सूद सर पूरी फिल्म में सिर्फ एक वही है जो मुझको बेहतरीन लगे, उनका किरदार उनका परफॉर्मेंस मुझको बहुत पसंद आया, मतलब इस पूरी फिल्म में वो मेरे फेवरेट रहे। और इस फिल्म की एक और बात जो मुझको पसंद आई, इस फिल्म का BGM, भाई कितना ऑसम BGM था। जब जब फिल्म के अंदर बोलते हैं जय भवानी हर हर महादेव, तो भाई उसके बाद में जो पूरा BGM बजता है भाई वो जबरदस्त था। हाँ ये बात भी सही है कि कहीं कहीं वो BGM बहुत लाउड हो जाता है, बट उसके अलावा BGM मुझको इम्प्रेसिव लगा। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो भाई ओके था। बस मैं ये बोलूंगा कि जितनी मेहनत सेट्स के लिए करी गई है, उतनी मेहनत अगर कास्टिंग के लिए और एक्टिंग पे कर लेते तो ये फिल्म बेस्ट बन जाती। कुल मिला के मानव विज सर, संजू बाबा और सोनू सूद सर, इन तीनों की एक्टिंग, फिल्म के सेट्स और फिल्म का BGM, इसके अलावा मुझको पूरी फिल्म में कुछ भी पसंद नहीं आया। और शॉर्ट में कहूँ तो भाई देखो, जो एक फीलिंग आती है ना कि पैसा बर्बाद, वो वाली फील नहीं आई मुझको। फिल्म में कुछ कमियाँ हैं, नहीं कुछ नहीं, फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं, और वो कमियां क्या क्या हैं मैं बता चुका हूं आपको। और मैं जानता हूं कि आप देख के रोगे वाली फिल्म, तो बस मैं ये बोलूंगा कि ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो वन टाइम वॉच सिनेमा पे ही हो, OTT पे आन दो फिर देख लेना। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फिल्म आपको देखनी देखनी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी देखनी कोई बात नहीं। बाकी अगर आपने देखी तो कैसी लगी कमेंट्स में लिखना जरूर। और अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जो वो बटन है लाल लाल सा, उसको दबा के ना ग्रे कर दो
और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और अगर आपका मन करे तुम उसको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।